स्कूल चले हम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। बता दें कि हरियाणा में छठी से बारहवीं तक के बच्चों के स्कूल खुलने के बाद अब आज से चौथी और पांचवी के भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। चौथी और पांचवी के बच्चों के स्कूल करीब डेढ़ साल बाद खुल रहे हैं। पहले से ही छठी से बारहवीं तक की क्लासेस चल रही है प्रदेश में निजी और सरकारी स्कूलों में, लेकिन आज से चौथी और पांचवी के बच्चे भी स्कूल जाएंगे। स्कूल में बच्चों का तापमान दो बार चेक किया जाएगा, रिकॉर्ड शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस बार सभी सरकारी स्कूलों को ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे स्कूल प्रबंधन समय समय पर बच्चों का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकेगा। हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। अंबाला में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को नियमों की जानकारी दी गई है, एसओपी भेज दी गई है। पालन एसओपी का करना होगा, उल्लंघना करने पर कोविड नियमों की वॉयलेशन अगर किया जाता है किसी स्कूल की तरफ से तो उस पर एक्शन भी लेगी सरकार। तो सभी कोरोना नियमों का पालन सख्ती से करना होगा स्कूलों को। बता दें आज से चौथी और पांचवी कक्षा के जो स्कूल हैं हरियाणा में वो भी खुलने जा रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी जारी रहेंगी। कोई अनिवार्यता नहीं होगी अटेंडेंस की बच्चों के लिए। ये पूरी तरह से कंप्लीटली डिपेंड करेगा गार्जियंस पर, पेरेंट्स पर, कि वो अपने छात्र अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाह रहे हैं या नहीं। लिखित इजाजत जरूरी होगी। बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं उनके पास परमिशन की होनी चाहिए, पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन, उसको देखने के बाद ही एंट्री स्कूल में मिलेगी। एक दिन में 50% बच्चों को ही कहा जा रहा है कि स्कूल बुलाया जाएगा। चौथी और पांचवी की कक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। बता दें कि दोनों कक्षाओं में 9.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं पूरे प्रदेश में निजी और सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो चौथी में 2,71,000 और पांचवी में 2,35,000 विद्यार्थी हैं। निजी स्कूलों में 2,47,000 तक और पांचवी में सरकारी स्कूल में 2.5 लाख बच्चों का दाखिला है। और इस पर जानकारी ज्यादा ले लेते हैं किस तरह की तैयारियां की गई। मेरे साथ कमरजीत करनाल से जुड़ गए जी मीडिया संवाददाता। कमरजीत, छठी से बारहवीं तक की क्लासेस तो चल रही हैं, लेकिन आज से चौथी और पांचवी के बच्चे भी स्कूल क्या पहुंच रहे हैं, क्या स्कूल की तस्वीर? देखिए, अगर बात करें तो लगातार पिछले 18 महीने से जो स्कूल जो बंद थे, स्कूल जो प्राइमरी क्लास के बच्चे थे आज काफी दिनों के बाद आज स्कूल में पहुंचे हैं। उसके साथ अगर बात करें तो हम करनाल का एक गांव है सिंगड़ा, वहां पर मौजूद है। वहां पर आपको जो बच्चे हैं अब से थोड़ी देर बाद आने शुरू हो जाएंगे और लगातार ये चीजें सभी तरह की जो टीचर थे उनको इस चीज की पूरी हदायत दी गई थी सरकार की तरफ से। वो कोरोना जो कोरोना के नियम है उनको पालन करेंगे और इसी के साथ आज 18 महीने के बाद प्राइमरी क्लास के बच्चे वो स्कूल आएंगे जिनके माता पिता उनको स्कूल आने की इजाजत देंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार ये देख सकते हैं कि ये बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे जरूर है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब इन बच्चों ने कहीं ना कहीं अपनी जो कोरोना गाइडलाइन थी उसका पालन जरूर किया है। फिलहाल पहला दिन है, सभी 4 से 5 बच्चे फिलहाल स्कूल में पहुंचे हैं। उन्होंने अपना मास्क लगाया हुआ है। मास्क लगाने के साथ अगर बात की जाए तो दूसरी तमाम जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। हमारे साथ है स्कूल के जो प्रधानाचार्य है मास्टर है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कहना चाहेंगे। लगातार जो 18 महीने से बच्चे अपने घर में थे स्कूल में पहुंच रहे हैं तो किस हिसाब से बच्चों को दहेज दीजिए कहते हैं और उन बच्चों को पहले ही हमने एक ऐसा सर्टिफिकेट जो सरकार की तरफ से जारी किया गया था वो सर्टिफिकेट हमने बच्चों के घर तक पहुंचा दिया था। उस परमिशन लेने के लिए बच्चों के घरों में पहुंचा दिए गए थे। मिड डे मील वर्कर की वजह से उनको दे दिए गए थे ताकि उनको घरों में डिवाइड किए जाए और आज बच्चे जो आए हैं बिल्कुल। तो देखिए पूरी तैयारी करनाल में की गई है, बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आप बने रहिए मेरे साथ। साक्षी का रुख कर लेते हैं, पंचकुला से साक्षी हैं। साक्षी, क्या तस्वीर है आज पहले दिन की? चूंकि छठी से बारहवीं तक की क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन आज चौथी और पांचवी, और ये क्लास ऐसी है जिसमें बच्चों की जो उम्र है वो कम ही रहती है, तो किस तरह से स्कूल प्रबंधन की तरफ से तैयारी की गई है, कैसे पूरा ध्यान रखा जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज से जो चौथी और पांचवी की कक्षाएं हैं उनके स्कूल्स की शुरुआत की जा रही है। इस वक्त हम लोग पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित
स्कूल में है और छोटे और बड़े सभी बच्चों के आने का सिलसिला जारी है और चौथी और पांचवी के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि उनको पेरेंट्स के कंसेंट से ही आज स्कूल भिजवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है लेकिन गेट पर जो खड़े हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगातार बच्चों को हिदायत दे रहे हैं कि मास्क लगाकर ही स्कूल में एंट्री की जानी चाहिए। वहीं बच्चे जैसे ही अपनी क्लासेस के लिए एंटर करते हैं वहां पर एक जो मशीन है सैनिटाइजर के लिए वो भी लगाई गई है ताकि बच्चे जब बाहर से आते हैं अपनी क्लासेस में प्रवेश करते हैं तो वहां पर सबसे पहले वो अपने हाथ सैनिटाइज करें और उसके बाद वो अपनी कक्षाओं का रुख करें। हालांकि कक्षाओं में भी जो बता दें आपको कि सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना जरूर यहाँ पर बच्चों से करवाई जा रही है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। सर, किस तरह से जो गाइडलाइंस है उनका स्कूल में पालन करवाया जा रहा है क्योंकि पेरेंट्स क्या कंसेंट दे रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ के लिए स्पेशली, कितने पेरेंट्स ने बच्चों को कंसेंट दिया है भेजने के लिए? हमारे यहाँ पे बच्चों को फॉर्म दिया गया था और वो फॉर्म जो है बच्चे साइन करा के आ रहे हैं। आज पहली बार आएंगे, पहले स्टाफ में लेके आते हैं। अभी तक 20% के बच्चे, परसेंट के आसपास बच्चे जो है अपने कंसेंट फॉर्म लेके आए हैं, लेकिन जो बच्चे आज आएंगे उनके पास फॉर्म होना जरूरी है, यह कंडीशन हमने लगाई हुई है, नहीं होगी तो हम उसको वापस भेज देंगे। सेकेंड बात है कि यहाँ पे बच्चों के लिए मास्क का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, सैनिटाइजर का भी अरेंजमेंट किया हुआ है और रूम को भी कल सबको सैनिटाइज कर दिया गया था, तो हाँ मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। और बाकी बैठने का प्रॉपर इंतजाम करेंगे इनका और डिस्टेंस पे बिठा के रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग काम रखते हैं। सर, अगर हमारे स्कूल की बात करें तो कितने प्रतिशत टीचर जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं? हमारे यहाँ 100% टीचर्स हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं। कोई 10% आसपास टीचर्स हैं जिनकी सेकंड डोज नहीं लगी, फर्स्ट डोज सभी टीचर्स 100% लग चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां पूरी की गई हैं पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित स्कूल में जहां पर साक्षी मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं साथ में, रोहित भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वहां से भी अपडेट ले लेते हैं। रोहित, छात्रों से अगर बातचीत करने की कोशिश हो पाए, ये संभव हो पाए कि छात्रों से बातचीत हो सके, क्या कोई डर लग रहा है छात्रों को? चूंकि छोटी क्लास के बच्चे हैं फोर्थ और फिफ्थ के जो आज स्कूल पहुंच रहे हैं, और कितनी संख्या, कितनी तादाद है जो बच्चों की है, पेरेंट्स कितना अलाउ कर रहे हैं बच्चों को स्कूल जाना? देखिए ज्योति, अगर जिस तरह से अभी के माहौल की बात करी जाए तो करीबन 1.5 साल बाद जो है फोर्थ और फिफ्थ की क्लासेस जो है वो दोबारा से शुरू हुई है क्योंकि कोविड के पहले काल से ये तमाम स्कूल जो है वो बंद थे। बहरहाल हिसार के देवी भवन स्थित एक मंदिर है जो उसके अंदर बने एक स्कूल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर किस तरह का माहौल है सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ये क्लास जो है ये फिफ्थ क्लास है और यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ की बात कर ली जाए, बच्चों की संख्या की बात कर ली जाए, तो आप देख सकते हैं कि करीबन 4 से 5 ही स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा इसके बगल की क्लास की अगर बात कर ली जाए जो फोर्थ क्लास है उसमें भी कुछ ऐसा ही माहौल है। हालांकि जिस तरह से आपने स्टूडेंट से बातचीत करने की बात कही है तो कोशिश जरूर करेंगे इनसे बातचीत करने की। इतने दिन बाद स्कूल में पहुंचे हो, कैसा लग रहा है, क्या कुछ रहेगा? अच्छा रहेगा। अच्छा लग रहा है। तो पहले कैसे पढ़ाई करते थे? अच्छी करते थे। ऑनलाइन करते थे? हाँ। अच्छा, छोटे बच्चे हैं इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ज्यादा, लेकिन स्कूल का जो स्टाफ है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि व्यवस्थाओं की अगर बात करी जाए तो सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वो स्कूल के गेट पे की हुई है। स्टाफ सदस्य से बातचीत कर लेते हैं। संख्या काफी कम दिख रही है, आज पहला दिन है, लेकिन प्रबंधों की अगर बात करी जाए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कोविड के रिगार्डिंग, स्कूल्स ओपन हो रहे हैं तो पूरी गाइडलाइंस का प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। गेट पे, मेन गेट पे स्कूल के सैनिटाइजर है, टेम्परेचर वगैरह बच्चों का चेक किया जा रहा है और सभी बच्चों को मास्क लगा के ही एंट्री दी जा रही है और डिस्टेंस का तो प्रॉपरली जो है वो फॉलोअप किया जा रहा है। सभी बच्चों को बोला गया था कि अपनी सैनिटाइज की बोतल खुद लेके आए, छोटी, और वाटर बोतल जरूर लेके आए क्योंकि बार बार पानी पीने ना जाना पड़े बच्चों को, और ये सब फॉलो किया जा रहा है ताकि बच्चे इजिली अपनी स्टडी कर सके। और जैसा कि बोला था गवर्नमेंट ने कि बच्चे जितने भी हैं घर रहे हैं उनका ऑनलाइन क्लासेस भी लेना है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड कंटिन्यू चल रहे हैं। मैम, आपसे पूछना चाहूंगा जिस तरह से 1.5 साल के बाद इन दोनों क्लासेस का दोबारा से लगने का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, कितना चैलेंजिंग लगता है, क्या उनको वापस ट्रैक पे लाना आसान रह पाएगा? सर, ये कहना तो बहुत मुश्किल हो पाएगा क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों की जो रिकवरी रेट था वो डाउन हो चुका है,
तो अभी थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से हमें स्टार्टिंग आज फर्स्ट डे है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि काफी छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग जिनका बेस खराब हो रहा था वो अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और हमारी लगन और मेहनत के साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा अच्छे से अच्छा काम करेगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। अगर उस बीच भी अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चा किसी भी टाइम स्कूल में आके पूछ सकते हैं, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ की जो क्लासेस स्टार्ट हुई है उसमें बच्चों को हम यही चाहेंगे कि प्रॉपर वे में मास्क के साथ वाटर बॉटल के साथ बच्चा स्कूल में आएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगा। अच्छा, अभी की अगर बात कर लीजिए, जिस तरह से आज पहला दिन है, क्या अभिभावकों ने भी संपर्क साधा था कि किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी, कुछ डर है उनके मन में? बिल्कुल डर है सर, उनको अभी भी ये लग रहा है कि कभी बच्चे उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। पेरेंट्स इस चीज के अभाव में डर भी रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको बच्चों को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में बच्चों को ज्यादा प्रभाव फोन से ज्यादा आई इफेक्ट पे डाला है, तो जिसकी वजह से पेरेंट्स को भी ये लग रहा है कि अगर बच्चा स्कूल जाएगा तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, चाहे दो घंटे की क्लासेस हो कि बच्चों को समझ आ जाएगा कि हाँ हमारे बच्चे ने ये भी सीखा है। लेकिन उनकी भी गाइडलाइन पूरी है कि उन्होंने बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइज में बोला गया, प्रॉपर उन्होंने बताया है कि हमारे बच्चों को कैसे रहना है कैसे नहीं। पेरेंट्स का भी ये डर है कि बस बच्चा सेफ रहे और स्टडी कंटिन्यू रखे। प्रिंसिपल मैम, आप बताइए मैम, अगर सिचुएशन की बात कर ली जाए, दूसरी क्लासेस भी लग रही है बच्चों की, उन क्लासेस की कितनी संख्या है, सिक्स से ऊपर की जो क्लासेस है? अभी तक तो 50 के रेशियो में ही बच्चे पहुंच रहे हैं नियर अबाउट। थोड़ा डर तो है ही, बच्चों को भी है, पेरेंट्स को भी है, लेकिन बच्चे खुश हो रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं। अब बच्चे आज आना शुरू हुए, अभी तो कम ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं क्लासेस में, लेकिन उम्मीद है कि डिस्टेंस में बैठे हैं, सैनिटाइज है, बच्चे आएंगे। तो क्या क्या नियम कौन कौन से फॉलो किए जा रहे हैं? जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने दी है सभी फॉलो की जा रही है। टाइमिंग कम है, बच्चों का लंच लेके नहीं आते, सैनिटाइज हो रहा है, टेम्परेचर। तो देखिए, बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाना बेहद जरूरी है, और यही वजह की एसओपी का पालन होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पर जानकारी के लिए।